नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। इन दिनों खासा एक्टिव नजर आ रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लगता है कि उनकी राजनीति विरोधी खेमे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। असल में जो मामला सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में गोली मारने की धमकी देने के मामले में यूपी के बस्ती की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस बारे में कोतवाल रामपाल यादव ने बताया कि आईपीसी की धारा 506 व 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच इंस्पेक्टर देवनंदन उपाध्याय को सौंप दी गई है। बताते चलें कि सोना थाना क्षेत्र के कोठिला निवासी पंकज कुमार द्विवेदी ने तहरीर में बताया है कि आरती पांडे के नाम से ट्विटर आईडी है। इस आईडी पर प्रियंका गांधी के स्तर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र से संबंधित न्यूज को ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट के कमेंट में आईडी आरती पांडे नाम की यूजर ने प्रियंका गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर मामला यहां यह बनता है कि किस तरह से बेखौफ होकर ये धमकी दी है। यहां आपको याद दिलाते चलें कि बीते दिनों पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस के चलते गन्ना किसानों के बकाए की भुगतान की मांग क्या कर डाली। इसके बाद बस्ती जनपद की निवासी आरती पांडे ने रविवार को ट्विटर पर प्रियंका को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दे दी। खैर, सबसे अहम बात तो ये है कि आखिर प्रियंका ने गन्ना किसानों की बात उठाकर या योगी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाकर कौन सा अपराध कर दिया जो उन्हें इस तरह से सरेआम गोली मारने की बात कही जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस तरह से ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी भरी भाषा लिखने का हक किसी को नहीं है। धन्यवाद।